नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा के गोमती हॉस्पिटल की स्थापना दिवस के मौके पर तहरी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुल्तानपुर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की है। सुल्तानपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक बंद करने का निर्देश जारी किया। सुल्तानपुर में बल्दीरा के नंदौली गांव में 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि गुलाम हैदर उर्फ बब्बू ने किया। सुल्तानपुर में कोलवार ब्लॉक के बाहमरपुर गांव पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति द्वार MLC विधान परिषद शैलेंद्र प्रताप सिंह की 5 लाख की निधि से बनाई जाएगी, जिसका भूमि पूजन भाजपा नेता रामचंद्र मिश्र ने किया। सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक में भाजपा नेता चिरंजीव मिश्रा उर्फ मोंटी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने घर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्याओं में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। सुल्तानपुर में गोलाघाट स्थित परशुराम युवा वाहिनी के सदस्यों ने खिचड़ी भोज का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खिचड़ी खाई। सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में मनाया गया, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। अमेठी में पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में ठंडी से बचाव के लिए लोगों को कंबल बांटे। अमेठी में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर सूरज पटेल ने कार्यभार संभाला। नव नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल 2019 बैच के IAS अधिकारी हैं। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक की जाफरगंज मंडी में खिचड़ी भोज का आयोजन मंडी सचिव ने कराया, जिसमें व्यापारियों के साथ किसानों ने भी खिचड़ी खाया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर में 14 सोने के स्वर्णद्वार लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में CM योगी आदित्यनाथ ने 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई रिक्शा ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में मां जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी से भगवान राम के लिए 5 ट्रकों पर लदकर उपहार अयोध्या पहुंचे। रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी और पुलिस अधीक्षक राकेश द्विवेदी ने रिजर्व पुलिस लाइन में साफ सफाई अभियान करते हुए पूरे रिजर्व पुलिस लाइन को साफ किया। रामपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता और लोकसभा प्रभारी अफरोज अली खान ने मशाल जुलूस निकालकर जनता को जागरूक करने की बात कही। बहराइच में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री की अपील पर DM मोनिका रानी ने अधिकारियों के साथ कार्यालय परिसर की सफाई की। बहराइच में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने SSB कंपनी के अधिकारियों और ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ गोष्ठी कर भारत नेपाल सीमा पर पैदल गश्त किया। लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। जालौन में कालपी मकर संक्रांति के पर्व पर यमुना घाट पर समाज सेवियों के साथ विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मिलकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे। नैनीताल में एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में शहीद हुए रतिघाट निवासी लॉन्स नायक संजय बिष्ट के घर पहुंचे और परिवार के एक सदस्य को जल्द से जल्द नौकरी देने का आश्वासन दिया। नैनीताल के कैची धाम परिसर में घोड़ाखाल मंदिर में उत्तरायणी पर्व के शुभारंभ पर संस्कृति उत्सव का आगाज हुआ। उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook के माध्यम से जुड़ें तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।